बच्चों टार्क हम लोग पढ़ते हैं टाउ बराबर एम क्रॉस बी, टाउ बराबर आप लिख सकते हो एम बी साइन थीटा। अगर थीटा का मान 90 हो जाए तो टार्क की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा एम बी, जहाँ पे एम क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, पढ़ाया है करंट इनटू एरिया मैग्नेटिक मोमेंट, और अगर बी की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। बच्चों एक आप बताना थीटा किसके बीच का एंगल है, बोलो। अब जिसके बीच में वेक्टर का क्रॉस हो तो एम और बी के बीच का, बस इतनी कहानी यहाँ पे हो गई। अब कोई टार्क और के पूछेगा रख लेना आ जाएगा। चलो एक सवाल लगा के देख ही लो, बच्चों सुनो। इस वाले रिंग में करंट फ्लो कराना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया गया है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस टेबल के पैरेलल है, टेबल के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटी है, जी काम कर रहा। सवाल में पूछा है कि इसमें कितनी करंट फ्लो करे जिससे रिंग जिसका मास एम है रेडियस आर है किसी एक पॉइंट के अबाउट उठ सके। टार क्या करेगा, घुमाएगा उठाएगा तो किसी एक पॉइंट के अबाउट वो उठ सके। तो स्टेटमेंट में लिख दूँ तब आप लोग अपना सोच सोच के ट्राई करो। फाइंड करंट फॉर विच रिंग हाफ मास एम एंड करंट आई कैन लिफ्ट अप अबाउट एनी वन ऑफ इट्स एज, एनी वन ऑफ इट्स एज, किसी एक पॉइंट के अबाउट ये उठ सके घूम सके। एज माने किसी किनारा, रिंग का कोई एक किनारा। रेडियस लिखा है ना इसमें, रिंग ऑफ मास एम एंड करंट ही तो पूछा है जी, बच्चों करंट ही तो पूछा है ना, इसको यहाँ थोड़ा बदलो। करंट मैंने पूछा है, रेडियस नहीं दिया है,
रेडियस, रेडियस लिखो आप, रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। आपसे करंट पूछा है और रेडियस और मास दे दिया है। अब आपके क्लास से कोई लोग आंसर बता रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कौन लोग बता रहे हैं, बोलो। शाबाश, ठीक है, आंसर सही लग रहा है, यही होगा। बच्चों लोग बोर्ड पे देखो, अगर ये लूप में करंट आई फ्लो कर रही है तो करंट अगर आई फ्लो करेगा और लूप क्लोज है तो वहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाएगा। क्या सुना? अगर लूप क्लोज है और करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक मोमेंट वहाँ पे निकाला जाएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट आपने पढ़ा है करंट इनटू एरिया। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट आएगा और उसका डायरेक्शन हम वही बताएंगे जैसे राइट हैंड थंब रूल से फील्ड निकालते हो, तो उसी तरह से जिधर फील्ड होगा उधर क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो बच्चों इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक मोमेंट इधर काम करेगा, इधर मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर होगा करंट इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर किसी भी लूप में करंट फ्लो कर गई तो आपको समझ लेना चाहिए कि वहाँ पे हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो टार्क लगा देगा। अब ये टार्क लगा देगा ये डिफिनिट है। फील्ड लाइन को थोड़ा हम नीचे इधर दिखाते हैं। अब बच्चों देखो, इधर B है, इधर M है, और टार्क जो हम पढ़ते हैं वेक्टर के फॉर्म में M क्रॉस B लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टार्क है M से B की ओर। क्या मतलब है? M से B की ओर। इसका मतलब इसको घुमाया जा रहा है M से B की ओर, तो इधर घुमाया जा रहा है ये। तो बच्चों ये जो टार्क लग रहा है वो इधर लग रहा है, M क्रॉस B माने M से B की ओर इधर लग रहा है, ये टार्क इधर लग रहा है। और टार्क कितना लग रहा है? MB, और थीटा दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो MB साइन 90 हो गया। समझ आ रहा है मेरी बात? बच्चों ये टाउ यहाँ पे जो लग रहा है वो हो गया एम बी और साइन 90, ये डायरेक्शन इधर है ऐसे। अब लिखा है कैन लिफ्ट अप, उड़ा सकता है, उड़ा सकता है, इसका मतलब कोई अपोज कर रहा होगा। अगर ये बोला जाए कि आदमी कर सकता है काम, इसका मतलब उसी के लिए कहा जाता है कि आदमी कर सकता है जो महान आलसी होता है। क्या बोला गया मैंने? अगर किसी के लिए कहा गया कि आदमी ये काम कर सकता है, इसका मतलब ये समझ लो कि जिसको बोला जा रहा है वो महा आलसी है। और अगर वो आलसी नहीं होता तो उसके लिए कहा जाता कि तुम्हें ये काम करेगा, इसको करना है, सकता कैन नहीं लगाना है। तो अगर कहीं लिखा गया कैन, इसका मतलब डाउट, और डाउट होने का कारण क्या है? सिर्फ आलस्य। अगर कोई आपसे कहता है कि बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है, इसका मतलब है कि इसके अंदर आलस्य है। और किसी के लिए बोला जाता है इसका सिलेक्शन 100% होना ही है, सिलेक्शन नहीं बोला जाता, उसके लिए बोला जाता है कि इसका रैंक आना है और इसको ये वाले कॉलेज मिल सकते हैं, तब उसे कॉलेज में सकते हैं बोला जाएगा, लेकिन ये बोला जाए कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों यही है। और अगर उसके अंदर आलस्य नहीं है तब उसे बोला जाता है इसको ये वाला कॉलेज और ये वाली ब्रांच मिलना तय है। तो ये डिपेंड करेगा, अगर यहाँ लिखा कैन, इसका मतलब है कोई विरोध जरूर कर रहा है। अब विरोधी ढूंढो, कौन विरोध कर रहा है?
अब विरोध कौन कर सकता है? ये जो ग्रेविटी है यही तो विरोध करेगा। और अगर ग्रेविटी वाला बात हम करें तो बच्चों यहाँ ये इसका रेडियस r है और सेंटर पे ही फोर्स लगता है और सेंटर पे जो फोर्स लग रहा है वो F बराबर mg है, F बराबर mg है, मास m है, लिखा हुआ होगा मास m। अब मास m है तो उसको मैंने स्मॉल m बना दिया, मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल m लिखा है, तो F बराबर mg है। बच्चों दूसरी बात बताना, tau बराबर आपने एक और पढ़ा है, क्या पढ़ा है? R क्रॉस F, इसका मतलब R से F की ओर, तो R से F की ओर दूसरा टार्क लगेगा, तो R से F की ओर अगर ये लिखा है R से F की ओर, तो ये R से F की ओर यही तो है, ये दूसरा टार्क लगा और इस टार्क की वैल्यू लिखना मेरे को, टाउ बराबर R F साइन 90, यहाँ भी 90 है, बराबर एम जी आर, और लिखा है कि उठ सकता है, इसका मतलब वो वाला इसको बैलेंस कर गया। अगर ये कहा है कि आदमी चल सकता है, इसका मतलब चला नहीं है, एक बार बोल दो चल देगा, चल सकता है मतलब उस समय वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में। और यहाँ पे भी लिखा है कैन लिफ्ट अप, बच्चों अगर ये लिखा है कैन लिफ्ट अप, इसका मतलब क्या हुआ? उधर वाला टार्क इधर वाला टार्क बराबर हो गया, तो आप लिखोगे हियर। अब उधर का टार्क m का मान उसी के नीचे मैं लिखूंगा, m बराबर क्या लिखोगे बच्चों? I इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी बराबर टाउ, सही लिखा, ये m हो गया और ये b हो गया। अब वहाँ पे टाउ हो गया और यहाँ वाला टाउ एम जी आर हो गया, दोनों बराबर करके अपना आंसर लिख लो भाई, आ जाएगा I इंटू पाई आर स्क्वायर बी बराबर स्मॉल m लिखना एम जी आर, क्या पूछा था? करंट ही पूछा था ना, तो I बराबर हो जाएगा एम जी अपान पाई आर बी, दिस इज आंसर, ये रिजल्ट है। अब टार का सवाल आएगा तो ऐसे कर लेना, डायरेक्ट फार्मूला रख देना, आ जाएगा। बच्चों एक सवाल और आखिरी सवाल हम ले रहे हैं, इसके बाद अब आपका मैग्नेटिक का दूसरा चैप्टर शुरू होगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वही आखिरी चैप्टर है, उसके बाद केवल मैग्नेटिक मटेरियल चलेगा, अर्थ मैग्नेट ये सब इधर उधर की बातें हैं। लेकिन जो चैप्टर अब है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट तक नॉन स्टॉप दौड़ता जाएगा और जिसमें से आपको चार सवाल उठा के पेपर में रखा जाएगा। अब चार सवाल बहुत होता है, अब आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको हटाऊँ, एक सवाल लिख लीजिए, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा है, देश में जितने एग्ज़ाम हुए आईआईटी से लेके आईटीआई तक सब में पूछा है, क्यों पूछता है पता नहीं, क्यों पूछता है कुछ तो कारण होगा। आइए देखिए सवाल क्या पूछता है, क्या है, देखो ये यहाँ पे कोई डिस्क है,
प्लास्टिक का, सरफेस पे चार्ज है और लाइन चार्ज डेंसिटी लिम्डा है और इसका रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। और इसके बाहर वाले सरफेस पे चार्ज दिया है, कोई प्लास्टिक प्लास्टिक का होगा, चार्ज सरफेस पे दे दिया, ये है। बच्चों इसका लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक L बाई टू है, बीच में है, कहने का मतलब बीच में है, लेंथ L बाई टू है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और B है, एक ही जगह मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, भीड़ मत लगाओ, इसको हटा दो, यहाँ भी लिख दो, बस हो गया, कहीं एक जगह दिखा दो। ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये मासलेस स्ट्रिंग है, टेंशन T1 है और टेंशन T2 है, ग्रेविटी जी है और इसका मास जो दिया है डिस्क का वो मास है M, कैपिटल M दिया है, मास ऑफ डिस्क। अब बच्चों क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस डिस्क को, नॉन कंडक्टिंग डिस्क को जिसका मास m है, कितना एंगुलर स्पीड से घुमाया जाए। इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे, जिससे T1 का मान T2 का 3 गुना हो जाए, मतलब टेंशन T1 कितना हो जाए, 3T2। तो पूछा है फाइंड एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ नॉन कंडक्टिंग डिस्क, नॉन कंडक्टिंग मत लिखो, ऑफ डिस्क लिखो, बस ऑफ डिस्क। मास ऑफ डिस्क हम दिया है ना, लिखा है कि फाइंड एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ डिस्क फॉर विच, फॉर T1 बराबर 3T2, बस। और मास स्मॉल m बना लेना बच्चों, m नॉट बना लेना, वो थोड़ा मैग्नेटिक मोमेंट भी आप लिख रहे हो इस समय, तो थोड़ा अंतर रहेगा, नहीं तो हम ही गड़बड़ कर देते हैं, स्मॉल m कैपिटल m रहता है तो हम एक ही बना देते हैं, तो ये हम नॉट कर दोगे तो डिफरेंस रहेगा। ठीक है, सवाल शुरू करते हैं। इस सवाल में ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, इसीलिए हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, नीट के पेपर में पूछा था तो T1 और T2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, IIT में पूछा है तो T1 बराबर 3T2 करके पूछा है, इसीलिए दोनों में पूछा है कि जनरेटर वगैरह इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा सा अभी से शुरू कर दिया गया, तो इस सवाल को हम टारगेट ले रहे हैं लगाने का, और आप पूरे लोग अब शांत होकर चीज़ों को सीखो। बंद करना है क्या, बंद कर जाओ, खड़े होके बंद कर दो, आप लोगों को कोई चीज़ को पंखे बंद करने हैं, एसी ऑन ऑफ करना है, किसी से पूछो मत, जो मना है वो कर दो, हाँ, और
ताकि हमारा क्लास डिस्टर्ब ना हो। चलिए बच्चों अब आगे देखो कैसे लगेगा, सुनो शांति से। अब देखो ऊपर T1 और T2 दोनों है, अब ध्यान से देखते रहना, नहीं तो भाई सिर्फ सवाल हो जाएगा और आपके लिए बवाल हो जाएगा। कभी कभी जब बहुत अच्छी बात होती है तो समय देखो नींद बहुत आती है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि आपके ग्रह नक्षत्र इकट्ठे हो गए और आपको उस रास्ते से हटा रहा है। जब भी आप अच्छा काम करेंगे तो उसमें मुश्किल आती है, और जिस काम में मुश्किल आना शुरू हो जाए ये समझ लेना चाहिए कि ये मेरे जीवन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, और उस समय अपने आप को एक्टिव कर लेना चाहिए, उस समय अपने को समझ लेना चाहिए। इसलिए बुद्धिमान लोग समझ जाते हैं कि जब भी कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो समझ लीजिए कि वहाँ पर आपको अब अलर्ट रहना है कि कोई डिस्टर्बेंस हमें डिगा ना पाए अपने रास्ते से। और आप लोग को अलर्ट नहीं, आप लोग खुद ही डिस्टर्ब होते रहते हैं। अब मैंने बोला पंखा बंद कर दो तो पंखे पे डिस्कशन हो गया, देखो इस पे नहीं डिस्कशन हुआ, पंखा और एसी पे शुरू हो गया, ये वाला बंद कराऊं कि वाला बंद कराऊं। हाँ चलो इधर देखो, कोई मत बंद करो, सवाल को देखो बच्चों, सुनो अब बात नहीं। अब देखो इसमें नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा M0G लगेगा। अब यहाँ पे दो ही काम आप कर सकते हो, एक तो फोर्स लगेगा, और अगर कहीं पे घूम रहा है ऑर्बिट ऑर्बिट बन रहा है तो वहाँ पे फिर मैग्नेटिक फोर्स नहीं आता, मैग्नेटिक टार्क आता है। तो एक फोर्स वाला केस होगा, एक टार्क वाला होगा। अब फोर्स में क्या होगा, अपवर्ड का फोर्स T1 प्लस T2 बराबर MG, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, M0G M0G लिख लेना, बस एक इक्वेशन तो बन ही गया। अब बच्चों दूसरा इक्वेशन देखो क्या होगा, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो करंट ऐसे ही फ्लो कर रही है, और जब करंट ऐसे ही फ्लो कर रही है तो टार्क ऐसे ही लग रहा है, उधर टार्क नहीं M, पहले M आएगा, अब इधर मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा तो फील्ड इधर होगा, तो मैग्नेटिक